आप ठीक ठाक हैं? मारिया जाहिद, अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? सलाम। और किरण खान हमारे साथ मौजूद है, हंसती मुस्कुराती। कैसी किरण, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम मदीहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इतने जमाने के बाद मेरा आना हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था मुझे कि ये जो हमारी जबरदस्त किस्म की खवातीन जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, ये साथ में अपना एक बिजनेस भी चला रही हैं। कुछ मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड के थ्रू मुझे तो पता चला था कि परवीन आप जो हैं वो भी बड़ा जबरदस्त काम चला रही है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे काम चला रही है ये हमें नहीं पता था। और वो कुछ इंटरनेशनल लेवल, जी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो काम वो कर रही है। और अब इतनी मुतमीना कि वो कहती है मैं तो मार्केट ना भी करूँ तो सही है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई आप आए, आपसे खवातीन जो है वो इंस्पिरेशन लेंगी। तो परवीन अपा, आपने वैसे कब शुरू किया था अपना काम? मुझे तो काफी टाइम हुआ, 10-12 साल हुए कि बड़े-बड़े कामों के कपड़े परवीन आपा ने बनाए हैं। बहुत बहुत सी एक्ट्रेसेस के वार्डरोब भी बनाए हैं, मगर अब टाइम नहीं है। अब बात यह है कि इंटरनेशनली मेरी बहन यूके में होती हैं, तो वो एग्जीबिशंस करती हैं। लास्ट टाइम मैं 2018 में गई थी, तो वहाँ हमने हिल्टन में एग्जीबिशन किया था और बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान में काम होता है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे ये काम वाले कपड़े हैं ये वहाँ है ही नहीं। और बाहर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब जो ईद वगैरह होती है तो खवातीन को आपको पता है हमारी पाकिस्तानी खवातीन तो जरा चमक दमक चाहिए, उनको लहंगे शरारे पसंद है। तो मैं यही कह रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत यहाँ है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वैसे ही माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं और वो परमानेंट है, तो बस उन्हीं को फुलफिल करने में टाइम लगता है। शुरू कैसे किया मुझे वो बताएं, मतलब अगर मैं आज से अगर मैं 12-11 साल देखूं तो आप तब भी आपका वो कह रहे हैं तोती बोलता था, सब चीज जबरदस्त, तो फिर टॉपिक टाइम कैसे निकाला था? मैं और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों मिलके, उनको दरअसल बहुत शौक था क्योंकि वो हाउसवाइफ थी और यही था कि घर में क्या करें, तो उनको शौक था कि ड्रेसेस बनाए। तो पहले हमारा एक छोटा सा यूनिट था, उसमें हमने बच्चों के कपड़े बनाना शुरू किए, फ्रॉक्स वगैरह, और बड़ी खूबसूरत फिर वो हम मार्केट में देते थे फ्रॉक्स वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन कहने लगी खवातीन के कपड़े बनाने चाहिए। मैंने कहा बनाएं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपकी पार्टनर हूँ, खर्चा कर लूंगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और इस स्टेज पे जहाँ पहुँचे हैं इसमें उनकी मेहनत ज़्यादा है, मेरी इतनी मेहनत नहीं है, जो जो सच्ची बात है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, अब वो क्योंकि वहाँ होती हैं तो अब सारा यहाँ से करना कराना जो होता है वो मुझे करना होता है। तो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और जो ऑर्डर होता है वहाँ का, कोई ब्राइडल होता है तो फिर ब्राइडल में टाइम बहुत लगता है, तो वो फिर लुक आफ्टर मुझे करना पड़ता है और सब कुछ मैं करती हूं। तो आप यानी कि आप प्योरली जो है या फॉर्मल ड्रेसेस जो है उनको कैटर कर रही हैं, ब्राइडल आप करा रही हैं? ब्राइडल भी है, ब्राइडल हमारा बहुत जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो शादियाँ होती हैं वहाँ ये कपड़े नहीं अवेलेबल, और कोई एक आध अगर वहाँ है तो वो बहुत इतने एक्सपेंसिव हो जाता है। इंडिया में कपड़ा भी गंदा इतना मिलता है, मैंने स्पेशली मार्केट में देखा है, हाँ बहुत खराब कपड़ा, बहुत खराब काम, भद्दा भद्दा सा काम, और वो काम मेरा ख्याल है कि महीने दो महीने में वो काला होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, इसी वजह से हमारे क्लाइंट जो है वो इस चीज से मुतमईन है। एक तो मटेरियल बहुत अच्छा होता है और हमारा काम काला नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि परवीन अपा, आप ज्यादातर आपका टाइम किस में लग रहा है? आप एक्टिंग में ज्यादा टाइम दे रही हैं या फिर आप अपने कपड़ों में ज्यादा टाइम दे रही हैं? इट डिपेंड्स, मतलब मैं क्योंकि मेक ऑन ऑर्डर है तो देखना पड़ता है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है और क्या उस दोनों जगहों को मैं मेंटेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर उसी हिसाब से होता है। अगर तो कोई ब्राइडल आ जाता है तो उसमें फिर टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, फिर जरा ड्रामे साइड पे हो जाता है। तो काम तो काम है, और फिर जब आपका एक नाम हो जाए तो फिर आपको काम वैसे ही देना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू में तो बहुत अच्छा काम दिया, अब जब चल पड़ा है तो अब आप उसको ऐसे ही कर दे। किस नाम से है ये? जरकार, सरकार जी। तो जिन लोग, तो हमें ये फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, सरकार पे। अच्छा मुझे बताएं बच्चों के आपके कितना कंट्रीब्यूशन, जब आपको डिजाइन वाला जब आप बना रही होती, जब आप कुछ कर रही थी बच्चों के साथ शेयर करती हैं कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस कलर में लहंगा बनाने जा रही हूँ? माफ कीजिएगा, बच्चे बिल्कुल उनको आप तमाशा घर में ही वैसे हाँ, वैसे आपके तो माशा से बेटे फैजान इस वक्त तमाशा घर में भी, तो मुझे बताएं आज दो लोग हैं जिनके
वो भी तमाशा में है और ये क्योंकि आजकल हर घर में जो है वो तमाशा की बात भी हो रही है और तमाशा में तमाशा रहता चल रहा है और इन दोनों के तो घर वाले तमाशा में बैठे हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि कितनी देर हो गई है फैजान को गए हुए? और फैजान तो अभी और मजीद 3 हफ्ते वहाँ होंगे, वो तो रो पड़े। 20 दिन हो गए, तो 20 दिन तो वो सेकंड को गए थे, आज 21st है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या इनसे बातचीत वगैरह? ना 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 ना, नहीं होती, बस मतलब कभी दिल देखना है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बस वो तमाशा देख लो। कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उनका फोन घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, उनकी घड़ियां घर पे पड़ी हैं, घड़ी भी नहीं, टाइम का नहीं पता चले ना कि क्या वक्त हुआ है। सोचो अंबर फोन के बगैर कैसे वीडियो बनानी है, फैजान फोन के बगैर, फोन के बगैर सब घर पे रखा हुआ है। अच्छा, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है, बेटी को, तो उनकी बेटी भी उनको इतना मिस करी, क्योंकि छोटी वो तो देखती है टीवी पे। अच्छा, वो देखती है पापा, तो फिर तो वो जरा, वो फिर जब खत्म होता होगा फिर होता होगा कि मैंने तो जाना है बाबा के पास। बाबा के पास उसका एक क्लिप वो साथ ले गए जो वो अपने यहाँ लगाए हुए। कितनी प्यारी बात है। मुझे बताएं, आपको वैसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ऑफकोर्स बाप की औलाद, आप देख रहे हैं कि 24 घंटे की मॉनिटरिंग है, आपका बच्चा वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ सियासत हो रही होती है, मुझे मजा आता है, मजा बहुत मजा आता है मुझे देख के मजा आता है। तो बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह की से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और फिर बात ये है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपने पेशेंस को मेंटेन रखना, कितना आपको खाने को सही नहीं मिलता, कभी आपको पीने को सही नहीं मिलता, फिर दिल करता है हाय मैं कि भाई मैं कुछ बना के भेज देती हूं। मैंने पूछा था, अच्छा उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, जो मैंने कौन कोई लग्जरी नहीं देनी। आप सोच रहे थे कि मैं हाय में फैजान को कैसे बात बता दूं कि फैजान ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। हां, बहुत जी चाहता है, बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। लेकिन लेटर भी लिख रहे हैं, मगर वो क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है कि वो बड़ा समझदारी से काम लेता है, वैसे भी मेरे बच्चों में सबसे समझदार वो ही है, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स के साथ। सबसे पहले मुझे शेरवानी बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैं चाहूंगी फिर आप जरा। अच्छा, शेरवानी का मैं आपको बताऊं कि ये अभी हमारा नया, हमने वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है और उसकी वजह यह है कि बाहर ठंड बहुत होती है, यूके वगैरह में बहुत ठंड होती है और ख्वातीन जो है वो अगर बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने तो ऊपर से कोई गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। बट आपको मैंने ना इस शेरवानी में खुद को देख लिया। अब हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने अपने माइंडसेट को देखे क्या सोचा है। तो ये बनाया है ताकि वहाँ ख्वातीन इस किस्म के कलर्स लें तो फिर उनको नीचे कुछ ऊपर को शॉल ले लेके शॉल भी ना ले, हां स्टोल भी ना ले, तो ये पहन ले, ये गरम है सही उनके लिए। जो बाहर के लिए हम बना रहे हैं तो अंदर जो इसकी लेयर है वो हम जरा गरम कपड़े की देंगे इसको देखने के लिए, दिखाने के लिए वो तो प्रॉपर से। वैसे बाकी मैं लोगों को देखती हूं कि वो जब पूरे शादी वाले कपड़े पहने ऊपर से कोट भी पहनवा रहे, इतने पैसे खर्च किए तो सारे। अब ये है कि ये अगर पहनेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोई स्वेटर या कोई शॉल पहने शॉल पहने और अपने कपड़ों की शो खराब कर। मुझे बताएं किरण, आपने वैसे इसमें इस शेरवानी में खुद को कैसे इमेजिन किया? मैंने देख लिया जीन्स के साथ और अंदर टी-शर्ट के साथ, वाइट टी-शर्ट के साथ एंड बिग इयररिंग्स जो यहाँ इसका स्टोर लगा ना यहाँ पे। मतलब तुम शॉपिंग करने आई हो? मैं तो फुल तैयार हो गई और फिर बैठकर अपना ब्रांड खाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ना मुझे नहीं मालूम था कि हम एक समय ब्रांड देखती थी तो वो आपका ब्रांड है, क्या ब्रांड है उस पर बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैं जब ये शेरवानी देख रही हूँ तो मेरे जहन में आती है कि जी सिल्क की आपने साड़ी पहनी है अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने शेरवानी पहनी है, वन कलर वो भी है क्योंकि वो देखिए उन्होंने ब्लैक साड़ी हो बिल्कुल उसमें, इवन कि मुझे लगता है ना ये भी कर लेंगे सेम के शादी शादी में तो आपकी वो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है सर्दी में मजीद शॉल लेने का बिल्कुल कुछ जी पहनने का। ये बहुत जबरदस्त शॉल से मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई आप ना वो मार दिया ना आपने कपड़े छुपा दिया कपड़ों को, फिर जरूरत नहीं है इतना भारी कपड़ा पहनने की। बट ये जीन्स सुबह भी क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार उसको ले लिया तो फिर आप उसको इतने डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसके साथ साड़ी पहन सकते हैं, उसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, यू कैन वेयर एनीथिंग। आप नॉर्मल जो व्हाइट चिकनकारी का कुर्ता है आप
उसके ऊपर भी व्हाइट कुछ ऐसे पहने थे। हाँ, शलवार के साथ, तो ये नया आर्टिकल हम डिमो कर रहे हैं और ये जाएगा बाहर और फिर देखे हमें क्या ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल जी, मैं तो डिफरेंट कलर्स भी इसमें सोच रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर, हाँ जी, ये देखिए, ब्यूटीफुल काम पूरा, ये शिफॉन है ना जी? हाँ, ये क्रिंकल शिफॉन। अच्छा, मम्मी हमेशा बोलती थी शिफॉन जो है ना वो फट जाता है, फट जाता है, काम नहीं कराना चाहिए, शुरू से दिमाग में ऐसा। हालांकि ब्यूटी जो आती है, शिफॉन की, वो फॉल अच्छा, एलिगेंस है, हमें भी अच्छा लगता है।